दोस्तों ये GS 300 है, 2001 मॉडल है। ये कस्टमर का कंप्लेंट है कि ये एक्सेलेटर पेडल नहीं ले रहा है। तो आज हम पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है, फॉल्ट को कैसा ट्रेस किया जाता है। अभी देखिए बिल्कुल फ्री है, गाड़ी स्टार्ट है, RPM बिल्कुल वही 700 पे खड़ा है और ये बिल्कुल पेडल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कोड, कि कोड किस चीज़ का आ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि इसमें कोड कौन से चीज़ का आता है। थ्रोटल पोर्ट पोजीशन सेंसर का आता है, एक्सेलेटर अप सेंसर का आता है, एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर का है, थ्रोटल का आता है या मोटर का आता है, इसमें कौन सा कोड है, ये बिल्कुल फ्री है। तो अभी रीड फॉल्ट कोड इंजन में जाएंगे और रीड फॉल्ट कोड में देखेंगे। GS है, SVGS का एक कॉमन फेलियर ये है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड वैल्यू देखना बनता है। तो हमारे पास कोड आ रहा है P1120, P1121, P1120 और P1121। ये जो करंट है P1120 और P1121 है, ये करंट है, ये दो हिस्ट्री है, लेकिन ये करंट जो है ये P1121 P1120। तो इस कोड का मतलब है कि एक्सेलेटर पोजीशन सेंसर। तो इसमें एक्सेलेटर पेडल पोजीशन कहाँ पे है, किसी गाड़ी का यहाँ लगा होता है, लेकिन इसका यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सादा केबल है। इसका जो एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर है, ये थ्रोटल बॉडी के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ऐसा भी हो सकता है इसका वायरिंग प्रॉब्लम हो, इसका वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम हो या कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो, तो हम लोग सिंपली इसको चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू इसका क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपको स्टैंडर्ड वैल्यू का पता नहीं चलेगा, आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो हम आपको सबसे पहले लैपटॉप के ऊपर चलते हैं, लैपटॉप के अंदर इसका स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं कोड की मदद से। तो जैसे हम इसको क्लियर करते हैं, फॉल्ट निकालना, फॉल्ट ट्रेस हो गया तो फिर काम हो गया, आधे से ज़्यादा काम हो गया। तो अभी हम इसको कोड क्लियर किया, ये जैसा ये कोड आ जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, थ्रोटल से जो इलेक्ट्रिक है वो बंद कर देते हैं। तो सिर्फ हेड हिस्ट्री का कोड चला गया, ये 11 P1120 है, P1120 बाकी हो गया, P1121 चला गया। तो एक ही बात है, एक्सेलेटर पोजीशन सेंसर सर्किट। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसको लोकेशन बताएंगे, तो दोस्तों ये थ्रोटल बॉडी है, ये इसका टीपी सेंसर है, ये थ्रोटल मोटर है, और हमारा जो कोड आ रहा है वो इसका आ रहा है, ये सेंसर का आ रहा है, ये एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर इसका कोड आ रहा है। तो इसका वायर बिल्कुल सही है, बराबर है, कुछ फॉल्ट नहीं है। अब इसको हम डाटा के ज़रिए इसको ट्रेस करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखो कोई रेस नहीं है, कोई रेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो कोड इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका कोड आ रहा है, ये एक्सेलेटर पेडल पोजीशन सेंसर है। तो दोस्तों ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब आप पेडल को बिल्कुल रिलीज करते हो उस टाइम कितना वोल्ट आना चाहिए, 0.30 वोल्ट या 0.90 वोल्ट, ये इसके बीच में होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कौन सा सेंसर है, सेंसर वन
एक्सेलेटर पेडल सेंसर वन, और सेंसर टू का कितना होना चाहिए 1.8 और 2.7, यानी 1.80 वोल्ट वो 2.70 वोल्ट इसके बीच में होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे ये काम है तो ये कंप्यूटर डायरेक्ट ये कोड रिलीज करता है और थ्रोटल का इलेक्ट्रिक बंद कर देता है। एक सेकंड के लिए भी अगर ये काम रह गया तो कंप्यूटर इसका इलेक्ट्रिक काट कर देता है। डिप्रेस टाइम में जब आप फुल एक्सेलेटर को डिप्रेस करते हैं उस टाइम 3.2 वोल्ट होना चाहिए एक्सेलेटर सेंसर वन में, 4.8 वोल्ट तक, यानी 3.20 वोल्ट 4.80 वोल्ट तक होना चाहिए। सेंसर टू में कितना होना चाहिए 4.70 और 5.10 वोल्ट तक आना चाहिए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, हमारा जो कोड आ रहा है वो गाड़ी को खड़ा होने पे आ रहा है, तो हम लोग ये वैल्यू देखेंगे, इससे तो नीचे नहीं है सेंसर टू, 1.8 से तो नीचे नहीं आ रहा है, 0.3 से तो नीचे नहीं आ रहा है, 0.3 से नीचे नहीं आना चाहिए, ये बीच में आना चाहिए 0.40, 50, 0.70 कोई मसला नहीं है, 0.80 ये आना चाहिए, लेकिन 0.3 से नीचे नहीं आना चाहिए, 0.30 से नीचे नहीं आना चाहिए। सेंसर वन में और सेंसर टू में जो है 1.80 वोल्ट से नीचे नहीं आना चाहिए, 1.88 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। अभी जाते हैं स्कैन टूल की तरफ, अभी हम गाड़ी को करते हैं ऑफ, फिर गाड़ी को स्विच ऑन करते हैं। हमारा सेंसर वन का 0.30 से नीचे नहीं आना चाहिए और 1.80 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो अभी जाते हैं डाटा स्ट्रीम में, यह एक्सेलेटर पोजीशन सेंसर टू है और यह एक्सेलेटर पोजीशन सेंसर वन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एक्सेलेटर पोजीशन सेंसर नंबर टू है इसमें कितना आ रहा है, पहले 0.1 आ रहा था, अभी 1.3848 ऐसा आ रहा है। तो ये देखो अभी 2.2 अभी सही आ रहा है, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेगा तो ये सही रहेगा, लेकिन जैसा ये वोल्टेज कम होएगा, ये क्लियर नहीं है, अभी ये 2.22 है, ये जो सेंसर टू है ना इसमें मसला है, इसका 180 से नीचे नहीं आना चाहिए, अभी बिल्कुल सही है, अभी ये 0. आया, अभी 0.40। तो जैसा ही ऐसा आते, जैसा हम इसको पेडल को थोड़ा ऐसा ऐसा हिलाता है, इग्निशन स्विच आने, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो ये वोल्टेज बहुत ही बुरी तरीके से डाउन होता है, 0.16 वोल्ट, 1.38 वोल्ट। तो इसी में मसला है, थ्रोटल सेंसर में मसला है। तो इस तरह आप फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही वोल्ट यही स्टैंडर्ड पोजीशन पे आता है, जैसे ही 2.2, तो अभी गाड़ी बिल्कुल सही चलेगा। तो ये फिर 0 पर आ गया। तो इस तरह आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू निकालें, ये देखो अभी 2.2 है, अभी बिल्कुल सही है इसका वैल्यू,
और ऊपर वाला 0.50 है, ये 30 से नीचे नहीं आना चाहिए, 0.30 से, वो बिल्कुल सही है। इसमें मसला है, ये दूसरे सेंसर में ये इसमें मसला आता है, ये नीचे आ जाता है। ये पेडल को थोड़ा हिलाने से ये वोल्टेज कम हो जाते हैं। अभी जैसा ही मैंने इसको 2.2 पे रखा, रेस आरपीएम सही हो गया। अभी जैसे हम इसको छोड़ेंगे, वोल्टेज इधर ड्रॉप होएगा तो थ्रोटल काम छोड़ देगा। अभी कुछ सेकंड के लिए देखो, अभी 0. अभी थ्रोटल काम छोड़ दिया, तो इसका थ्रोटल सेंसर में मसला है। इस तरह आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसका वायरिंग में भी कोई मसला नहीं है, वायरिंग भी मैंने चेक किया, तो इसको इस तरह ट्रेस कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।